ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने वेक्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है स्टूडेंट, यानी वेक्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमारा फिनिश हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर लेक्चर नंबर टू। हम वेक्टर लेक्चर नंबर टू स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, और देखेंगे कि वेक्टर लेक्चर नंबर टू में हमें क्या बताया गया है। देखो बेटा, मैं अभी तक आप लोगों को, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले आप लोगों को कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखो, फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड कर दिया है तीन पार्ट में। एक हमारी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी, जिनके अंदर डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होती हैं। एक हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी, जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है। एक होती है हमारी टेंसर क्वांटिटी, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अब स्केलर और टेंसर इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना है। और मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स से लड़ने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है बेटा आप लोगों का। आप ये समझिए कि अगर 11th और 12th क्लास के फिजिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए वेक्टर का प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिना वेक्टर के ना आप 11th क्लास की फिजिक्स को सॉल्व कर पाएंगे, ना 12th क्लास की फिजिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, इसका हर एक टर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बेटा हमने आपको बताया वेक्टर के टाइप्स, कौन कौन से टाइप हमने आपको बताए। हमने आपको इक्वल वेक्टर बताया, हमने आपको नेगेटिव वेक्टर बताया, हमने आपको पैरेलल वेक्टर बताया, हमने आपको एंटी पैरेलल वेक्टर बताया। समझ आ रही है बेटा बात? हमने आपको को इनिशियल बताया, हमने आपको को टर्मिनेशन बताया, हमने आपको को प्लेनर बताया, और लास्ट में हमने आपको बताया को लीनियर वेक्टर। अभी हम अपनी जो बात की शुरुआत करेंगे वो को लीनियर वेक्टर से ही करेंगे। कुछ बच्चों को कोलिनियर वेक्टर में समस्या आई है, तो समस्या आएगी नहीं, चिंता मत करिए, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। देखिए बेटा, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि 1 जुलाई से आप लोगों की क्लास ऑफलाइन मोड में हो जाए। यानी 1 जुलाई से हम आप लोगों को दो ऑप्शन देंगे। अगर आप चाहें तो आप अपनी क्लास ऑनलाइन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपनी क्लास को ऑफलाइन भी शिफ्ट करा सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऑफलाइन क्लास में जितना बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं ना बेटा, जो आप एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं, वो ऑनलाइन में थोड़ा कम रहता है। दूसरा, ऑफलाइन क्लासेस में टीचर और स्टूडेंट्स का एक सीधा इंटरेक्शन होता है, और वो इंटरेक्शन क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। तो कोशिश करें कि 1 जुलाई से आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। हम आपकी 1 जुलाई से लगभग एक हफ्ता पहले आप लोगों के साथ में शेड्यूल शेयर करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी क्लास आप लोगों की किस टाइम पर होने वाली है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और है बेटा, 1 जुलाई से जो हम आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें प्रीवियस टॉपिक के रिवीजन का भी हम एक छोटा सा अमेंडमेंट रखेंगे। यानी आप लोगों को अगर फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आई है बेटा, हो सकता है, डेफिनेटली आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम भी आ सकती है, और ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ भी जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है तो कोई समस्या वाली बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत आई है, कोई कंसेप्ट आप लोगों का वीक है, किसी कंसेप्ट के आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, तो हम 1 जुलाई से जो आपकी ऑफलाइन क्लास लगाएंगे ना बेटा, उसमें हम उन टॉपिक्स का आपको रिविज़न भी कराएंगे। बस आप लोगों का काम इतना है, उन सभी टॉपिक की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए जो टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम है, जिन टॉपिक्स में आप लोगों को समस्या है ना स्टूडेंट, जो टॉपिक आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उन टॉपिक की एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए। और जब 1 जुलाई से आप हमारे पास में आना स्टार्ट करेंगे, तो हम उन टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे बेटा, और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। ओके, चलिए तो अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बेटा सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है 8 नंबर का वेक्टर, और इसका नाम है कोलीनियर वेक्टर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कोलीनियर वेक्टर के बारे में। चलिए जान लेते हैं कि कोलीनियर वेक्टर होता क्या है। देखिए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ए बी इज द के टाइम्स ऑफ पी क्यू, समझ आ रही है बेटा? अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है ए बी इज़ द के टाइम्स ऑफ पी क्यू,
तो आप झट से समझ जाएंगे कि ये जो कंडीशन है, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, ये फॉर्मूला कोलीनियर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ये जो आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है ना, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू वैक्टर, ये कंडीशन कोलीनियर वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट। कौन से वेक्टर को? कोलीनियर वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये कैसे कोलीनियर वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए बेटा, क्या होते हैं कोलीनियर वेक्टर। देखो, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, जैसे मान लो ए बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे बेटा कि ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में कोलीनियर हैं। ये दोनों वेक्टर आपस में कोलीनियर है, और इसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे ये ए बी वेक्टर इज द के टाइम्स ऑफ पी क्यू वेक्टर, और ये जो के दिखाई दे रहा है आपको, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर पॉजिटिव। क्या वैल्यू होगी इसकी? ये जो के आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये कोलीनियर वेक्टर को दिखा रहे हैं, और ये जो के लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। मैं भी एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताऊंगा, चिंता मत करिए। देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनी बेटा आपके पास में, जैसे एक वेक्टर तो है आपके पास में ये है ए बी वेक्टर, और एक वेक्टर आगे आपके पास में ये पी क्यू वेक्टर, समझ आ रही बात। और आपके पास में कुछ ऐसा आया ए बी वेक्टर इज द के टाइम्स ऑफ पी क्यू वेक्टर, ये बिल्कुल कोलीनियर है, यहाँ भी एक ही लाइन में है, सेम डायरेक्शन है, तो कोलीनियर है। यहाँ भी एक लाइन में है बट अपोजिट डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन में तो है ना, ये भी कोलीनियर है। ये जो अपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों वेक्टर की, ये जो दोनों वेक्टर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है कि जो के की वैल्यू है बेटा वो नेगेटिव है। के की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो के की वैल्यू है पॉजिटिव, और अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है तो के की वैल्यू है हमारी नेगेटिव। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं बेटा। देखो, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ आया ए बी इज द थ्री टाइम्स ऑफ पी क्यू, दिख रहा है बेटा लिखा हुआ ए बी इज द थ्री टाइम्स ऑफ पी क्यू। अब जैसे ही आप इस वेक्टर को देखोगे, अब तुरंत क्या कहोगे, भाई ए बी जो है वो पी क्यू के थ्री टाइम्स है, यानी ये जो थ्री आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कैसी वैल्यू है? ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों के दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, और ये दोनों वेक्टर आपस में कहलाएंगे कोलीनियर वेक्टर। ये दोनों वेक्टर आपस में कहलाएंगे कोलीनियर वेक्टर। बात समझ आई बेटा? अब अगर थ्री पी क्यू आया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, और ये हमारे कहलाएंगे कोलीनियर वेक्टर। इसके बाद देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल नंबर टू, मान लो सिचुएशन बनी मेरे पास में ये ए बी वैक्टर माइनस टू टाइम्स ऑफ पी क्यू वैक्टर, ये है मेरे पास में सिचुएशन। दो वेक्टर हैं आपके पास में, और दो वेक्टर के बीच में ये माइनस का साइन आ रहा है। अब जैसे ही आप माइनस का साइन देखेंगे, ये जो वैल्यू है आपकी, ये कैसी वैल्यू है? ये नेगेटिव वैल्यू है। और इस वैल्यू के नेगेटिव होने का मतलब ये है बेटा कि दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। हो भले ही अपोजिट डायरेक्शन में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्शन है तब भी कोलीनियर है, अपोजिट डायरेक्शन है तब भी कोलीनियर है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ऐसे सिचुएशन बनती है तो ये कोलीनियर वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और अगर कहीं ऐसे सिचुएशन बनती है तो ये भी कोलीनियर वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दोनों वेक्टर भी हमारे बेटा, ये जो दोनों वेक्टर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों वेक्टर भी हमारे कोलीनियर वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। काहे को रिप्रेजेंट करेंगे? ये दोनों वेक्टर भी हमारे कोलीनियर वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। ये कोलीनियर वेक्टर की कंडीशन है, अगर के पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन है,
और अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन है बेटा, ध्यान रखिएगा, लेकिन होंगे कोलीनियर ही। अगर सेम डायरेक्शन होगी तब भी कोलीनियर, अपोजिट डायरेक्शन तब भी कोलीनियर। ये पूरी कोलीनियर वेक्टर की कंडीशन है बेटा हमारे पास में, ठीक है, कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बेटा अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं नाइन्थ टाइप के बारे में। देखिए बेटा नाइन्थ टाइप का जो वेक्टर है हमारे पास में, इसका नाम है ऑर्थोगोनल वेक्टर। नाइन्थ टाइप का जो वेक्टर है हमारे पास में, इसका नाम है बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसे हम नाम देंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। आइए जानते हैं कि क्या होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। देखिए हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा तो होगा क्या भाई, एक वेक्टर है मेरे पास में इस तरफ, एक वेक्टर है मेरे पास में इस तरफ और एक वेक्टर है मेरे पास में इस तरफ, ठीक है बेटा। मान लीजिए कि मैंने इस वेक्टर को नाम दिया है ए वेक्टर, मैंने इस वेक्टर को नाम दिया है ए वेक्टर, मैंने इस वेक्टर को जो नाम दिया है वो है बी वेक्टर और मैंने इस वेक्टर को नाम दिया है सी वेक्टर। बेटा ध्यान से देखिएगा, देखो ए के और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ए के और बी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है बेटा। ए के और सी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ए और सी के बीच में बन रहा है 90 डिग्री, समझ आ रही बात। बी के और सी के बीच में कितना बन रहा है, बी के और सी के बीच में बन रहा है, बी और सी के बीच में बन रहा है 90 डिग्री। बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को। वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। जब तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीन वेक्टर और वो तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये कंडीशन बेटा हमारी कहलाएगी ऑर्थोगोनल वेक्टर। जब तीन वेक्टर हों और तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो ऐसी कंडीशन हमारी कहलाती है ऑर्थोगोनल वेक्टर। आप जैसे देखिए, छोटी सी बात आप देखिए भाई, मान लो बेटा ये है हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास में वाई एक्सिस, ये है हमारे पास में वाई एक्सिस और ये है हमारे पास में जेड एक्सिस। हम लोगों ने मान लिया कि ये है हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास में वाई एक्सिस और ये है हमारे पास में जेड एक्सिस, दिख रहा है बेटा। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब बताओ तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है, बिल्कुल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इधर x, इधर y, इधर z। अब क्या होता है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में हम x को x से ही दिखाते हैं, लेकिन जब बात आती है फिजिक्स की तो बेटा जो भी x की डायरेक्शन में जाएगा उसे हम i कैप से दिखाएंगे, जो भी x की डायरेक्शन में जाएगा उसे हम i कैप से दिखाएंगे, जो भी y की डायरेक्शन में जाएगा उसे हम j कैप से दिखाएंगे, j कैप, और जो भी z की डायरेक्शन में जाएगा उसे हम दिखाएंगे k कैप से, समझ आ रही है बेटा। जो भी जाएगा x की डायरेक्शन में उसे दिखाएंगे i कैप से, जो भी जाएगा y की डायरेक्शन में उसे दिखाएंगे j कैप से और जो भी जाएगा z की डायरेक्शन में उसे दिखाएंगे k कैप से। यानी ये जो i कैप है ये रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस को, ये हमारा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो j कैप है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा बेटा y एक्सिस को, कहीं को रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस को, और ये जो k कैप है हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा z एक्सिस को, ध्यान रखिएगा बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर i कैप दिखा रहा है x एक्सिस को, j कैप दिखा रहा है y एक्सिस को, समझ आ रही है बेटा बात, और k कैप दिखा रहा है z एक्सिस को,
जो k कैप है वो दिखा रहा है z एक्सिस को। तो बताइए x, y और z, x इज परपेंडिकुलर टू y एंड परपेंडिकुलर टू z, बताओ तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। x की जगह हम लिख सकते हैं i कैप, परपेंडिकुलर, y की जगह हम लिख सकते हैं j कैप, परपेंडिकुलर, और z की जगह हम लिख सकते हैं k कैप, परपेंडिकुलर। और जो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, वो हमारे कहलाते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये वेक्टर हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएगा। होप सो कि आप लोगों को बात समझ में आई हो कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है। तीन वेक्टर या दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीन वेक्टर ले लो या दो वेक्टर ले लो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उन्हें हम ऑर्थोगोनल वेक्टर का नाम देंगे। और आगे से, अब से फिजिक्स में अगर कहीं आएगा एक्स एक्सिस तो उसे हम दिखाएंगे आई कैप से, अगर कहीं आएगा वाई एक्सिस तो उसे हम दिखाएंगे जे कैप से, अगर कहीं आएगा जेड एक्सिस तो उसे हम दिखाएंगे बेटा के कैप से। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस को आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से, ये हमारी कंडीशन होने वाली है बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई हो और ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई हो। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास में आता है पॉइंट नंबर 10। देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 10 क्या है? पॉइंट नंबर 10 एक छोटे से एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि यह है एक्स एक्सिस, मान लीजिए कि यह है वाई एक्सिस और मान लीजिए कि यह है जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, इधर है हमारे पास में एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस और यह है जेड एक्सिस। देखो, अब हमें कहा कि भाई एक वेक्टर हमारा एक्स की डायरेक्शन में है। ये जो वेक्टर है ना हमारा, ये जो ग्रीन वाला वेक्टर दिख रहा है, ये एक्स की डायरेक्शन में है और एक वेक्टर है हमारा जेड की डायरेक्शन में ऐसे, और एक वेक्टर है हमारा वाई की डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, मैं इन सब की नेमिंग कर देता हूँ बेटा। देखो ध्यान से, हम इन सब की नेमिंग कर देते हैं। हमने इसे नाम दिया ए और यह है हमारे पास में बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 5 यूनिट। ओके स्टूडेंट, इस पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है डी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 3 यूनिट। ये लंबाई है 3 यूनिट। अब आते हैं हम यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम है पी, इस पॉइंट का नाम है Q और ये लंबाई है हमारे पास में 4 यूनिट। ठीक है, तो हमें इन तीनों वेक्टर को लिखना है बेटा, इन तीनों वेक्टर को, ये जो तीनों वेक्टर हमने आपके सामने बना रखे हैं, इन्हें, इन वेक्टर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं AB को। देखो, एरो का साइन A से B की तरफ है, तो हमने लिखा AB वेक्टर, लिख दिया बेटा AB वेक्टर। बताओ वेक्टर की लंबाई कितनी है? वेक्टर की लंबाई है 5, ये 5 हमने लिख दिया यहाँ पर। वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? वेक्टर की डायरेक्शन है x। अब x की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा आई कैप का। तो ये बन गया हमारा पहला वेक्टर, ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसका रिप्रेजेंटेशन हम कुछ ऐसे करेंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप। अब आते हैं दूसरे वेक्टर पर। देखिए, दूसरे वेक्टर का नाम क्या है? एरो का साइन किस तरफ है? एरो का साइन है सी से डी की तरफ, तो मैंने लिखा यहां पर बेटा सी डी वेक्टर, लिख दिया मैंने सी डी वेक्टर। जरा बताइए वेक्टर की लंबाई कितनी है? वेक्टर की लंबाई है 3, है ना वेक्टर की लंबाई 3। और वेक्टर किस डायरेक्शन में है? वेक्टर वाई की डायरेक्शन में है और वाई को हम दिखाते हैं जे कैप से।
फाइनली आता है बेटा हमारे पास में ये वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है पी क्यू वेक्टर। क्या नाम है? इस वेक्टर का नाम है पी क्यू वेक्टर और ये वेक्टर है जेड की डायरेक्शन में। इस वेक्टर की लंबाई है हमारे पास में 4, समझ आ रही है बात? इस वेक्टर की लंबाई है हमारे पास में 4 और यह है जेड की डायरेक्शन में, तो यहाँ हमने लगा दिया है के कैप। क्या लगा दिया है? के कैप। ये हो गया बेटा हमारे पास में फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर। बहुत आसान है और बड़े आराम से आप लोग इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आप लोगों को और अच्छे से आप लोग इसे नोट भी कर पाएंगे। कर लीजिए नोट डाउन जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा 11वें नंबर पर जो वेक्टर हमारे सामने आता है, इस वेक्टर का नाम है बेटा पोजीशन वेक्टर। 11th नंबर पर जो वेक्टर हमारे सामने आया, इस वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। अब आप ये समझिए कि पूरे चैप्टर की जो डायरेक्शन बनाएगा, पूरे चैप्टर का जो रुख तय करेगा, वो यही वेक्टर तय करेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और कैसे काम करना है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को बहुत ध्यान से आपको देखना है बेटा। देखो मान लीजिए ये हो गया हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास में वाई एक्सिस और ये हो गया हमारे पास में जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया है वाई एक्सिस और ये हो गया है जेड एक्सिस। समझ आ रही बात? यहाँ हमें एक पॉइंट दे रखा है बेटा, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट, तो ये है कि किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमेशा दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट को बोलते हैं टेल यानी पूंछ और एक पॉइंट को बोलते हैं हेड। किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए आप लोगों ने देखा एक पीछे का पॉइंट होता है और एक आगे का पॉइंट होता है। और यहाँ कितने पॉइंट है तुम्हारे पास में? यहाँ तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है। वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए तो दो पॉइंट और है हमारे पास में यहाँ सिर्फ एक पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा? हमें कोई दूसरा पॉइंट यहाँ दिख भी नहीं रहा है। तो लॉजिक ये है कि जब आपके पास में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है बेटा, तो हमेशा ओरिजिन दूसरे पॉइंट का काम करता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0, यानी जिसका कोई नहीं है उसका ओरिजिन है, जिसका कोई साथ नहीं देगा उसका ओरिजिन साथ देगा। जब एक ही पॉइंट आपको दे रखा है तो दूसरा पॉइंट आपको ओरिजिन मानना है बेटा। क्या मानना है? दूसरा पॉइंट आपको ओरिजिन। तो ये बन गया हमारा वेक्टर, ये बन गया हमारा वेक्टर। क्या नाम होगा इस वेक्टर का बेटा? इस वेक्टर का नाम होगा, एरो का साइन ओ से ए की तरफ है, इस वेक्टर का नाम होगा ओ ए वेक्टर। इस वेक्टर का नाम होगा ओ ए वेक्टर। कैसे लिखोगे इस वेक्टर को? इस वेक्टर को लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे इस वेक्टर को? देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं वेक्टर को लिखने का। ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, यहां पर आपको हमेशा हेड में से टेल को माइनस करना है। हेड में ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहां एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो एक्स में से 0 को माइनस करो, ये आ गया एक्स और पीछे लगा दो आई कैप। समझ आ गया बेटा? इसके बाद प्लस, यहां क्या है वाई, वाई में से 0 को माइनस करो, वाई आएगा, पीछे लगा दो जे कैप। यहां क्या है जेड, जेड में से 0 को माइनस करो, जेड आएगा और पीछे लगा दो के कैप। ये बन गया बेटा आप लोगों का पोजीशन वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया। अगर आपको इसकी लंबाई निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकालनी है, तो उस लेंथ को हम कहेंगे ये मॉड ओए वेक्टर, उस लेंथ को हम कहेंगे मॉड ओए वेक्टर। और मॉड ओए वेक्टर को निकालने का तरीका है, आई के सामने क्या है एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस जे के सामने क्या है वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर, के सामने क्या है जेड और ये हो गया हमारे पास में जेड स्क्वायर। ये तो है बेटा मॉड निकालने का तरीका,
समझ रहे हैं आप लोग? और यह है हमारा वेक्टर निकालने का तरीका, और इस वेक्टर को हम नाम देंगे पोजीशन वेक्टर। आप याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, और जब आपके पास में एक ही पॉइंट हो तो ओरिजिन आपके लिए दूसरे पॉइंट का काम करता है बेटा, ठीक है? ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान से जरा बेटा। एग्जाम्पल ये है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस, ठीक है? ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हो चुका है x, ये हो चुका है y, और ये हो चुका है z, ठीक है? अच्छा, यहाँ हमें एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट है P, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5, ये है पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3, 5। हमें वेक्टर बनाना है, एक पॉइंट तो है हमारे पास में, बताइए है या नहीं है? एक पॉइंट तो है हमारे पास में, दूसरे पॉइंट का काम कौन करेगा बेटा? दूसरे पॉइंट का काम करेगा ओरिजिन, ये ओरिजिन दूसरे पॉइंट का काम करेगा, ओरिजिन दूसरे पॉइंट का काम करेगा। तो ये बन गया हमारे पास में वेक्टर, और इस वेक्टर को हमने नाम दिया है ओपी वेक्टर, इस वेक्टर को हमने नाम दिया है ओपी वेक्टर। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0, 0, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है 2, यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है 0, हम 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसके पीछे आ गया है i कैप। उसके बाद 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3, और उसके पीछे आ गया है j कैप। उसके बाद 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, और उसके पीछे आ गया है k कैप। मॉड निकालने का तरीका क्या है बेटा? मॉड निकालने का तरीका है अंडर रूट 2 square 4, 3 square 9, 5 square 25। समझ आ रही है बेटा बात? देखो क्या आंसर निकल कर आएगा, मॉड ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट 38 यूनिट, मॉड ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट 38 यूनिट। ये है हमारा पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट, और ये है उसके ऊपर एग्जांपल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। अभी एक और एग्जांपल पढ़ेंगे, पहले जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, जरा देखिए भाई। एक वेक्टर हमें दे रखा है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर दे रखा है हमें इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर हमें दे रखा है इस डायरेक्शन में। इस वेक्टर का नाम है x, ये हो गया y, और ये हो गया z। यहाँ है हमारे पास में ओरिजिन, एक पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पर A, और एक पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पर B। A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1, 2, 3, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 4, 6, ठीक है बेटा? ये हमें दे रखा है। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें एक तो निकालना है OA वेक्टर, और एक हमें निकालना है OB वेक्टर। देखो ध्यान से डायग्राम को, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिए। एक तो हमें निकालना है OA वेक्टर, OA वेक्टर, और एक हमें निकालना है OB वेक्टर। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा OA वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 i कैप, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 j कैप, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 3, और ये हो गया है k कैप। समझ आ रही है बात? तो ये बन गया है हमारा OA वेक्टर। अगर इस वेक्टर का हम मॉड निकालें तो मॉड कितना आएगा हमारे पास में? 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9। बेटा क्या आंसर निकल कर आएगा?
आंसर निकल कर आएगा अंडर रूट 14 यूनिट। ये हमारा आंसर निकल कर आएगा स्टूडेंट, अंडर रूट 14 यूनिट। लो बेटा, एक आंसर हमारा निकल चुका है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब निकालते हैं हम दूसरा आंसर। देखो दूसरा आंसर क्या है, ओ बी वेक्टर हमें निकालना है। ओ बी वेक्टर, ये ओ है ये बी है, तो बी में से ओ को माइनस करना पड़ेगा, बी में से ओ को माइनस करना पड़ेगा, थ्री में से जीरो को माइनस करेंगे, सो थ्री आई कैप, फोर में से जीरो को माइनस करेंगे, फोर जे कैप, सिक्स में से जीरो को माइनस करेंगे, सिक्स के कैप। दिस इज ओ बी वेक्टर, ये है बेटा हमारे पास में ओ ए वेक्टर और ये है हमारे पास में ओ बी वेक्टर। अब हमें निकालना है ओ बी वेक्टर का मॉड, कितना निकल कर आएगा ओ बी वेक्टर का मॉड, जरा देखिए, थ्री स्क्वायर 9, फोर स्क्वायर 16, सिक्स स्क्वायर 36, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास में, ये देखते हैं बच्चों। 16 और 9 यानी 25 और 36 यानी 61 यूनिट। लो बेटा, ये आंसर आया हमारे पास में निकल कर, ये ओ ए वैक्टर, ये ओ बी वैक्टर, ये फर्स्ट वैक्टर का मॉड और ये सेकेंड वैक्टर का मॉड। फाइनली हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये कंसेप्ट हो गया है हमारे पास में पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड, जहां हमारे पास में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है वहां वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमेशा ओरिजिन सेकंड पॉइंट की तरह काम करता है बेटा, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए बेटा, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, और जो नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है हमारे पास में नंबर 12, ये है बेटा रिलेटिव वेक्टर, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो है रिलेटिव वेक्टर। इनकी डेफिनेशन कुछ नहीं है बेटा, ये जो पोजीशन वेक्टर हैं, रिलेटिव वेक्टर हैं या और टाइप के जो मैंने वेक्टर आपको बताए हैं, इनकी डेफिनेशन कुछ नहीं है। कभी आप सोचिए कि डेफिनेशन नहीं हम लोग लिख रहे हैं, डेफिनेशन है ही नहीं, सिर्फ कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यह है हमारे पास में रिलेटिव वेक्टर। अब जैसे पोजीशन वेक्टर में हमें एक ही पॉइंट गिवन होता था बेटा, होता था ना, पोजीशन वेक्टर में सिर्फ हमें एक ही पॉइंट गिवन होता था। अब रिलेटिव वेक्टर में हमें दोनों पॉइंट गिवन होंगे स्टूडेंट। ये हो गया है हमारे पास में एक्स, ये हो गया है वाई और ये हो गया है जेड, ठीक है बेटा। देखो जरा ध्यान से, एक पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पर, यह है ए, और एक पॉइंट है मेरे पास में यहाँ पर, यह है बी, ठीक है। हमें वेक्टर ड्रॉ करना है ए से बी की तरफ ऐसे, हमें वेक्टर ड्रॉ करना है ए से बी की तरफ कुछ ऐसे। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं ये है 1, 1, 1, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये है 2, 3, 5, ठीक है बेटा। देखो अब वेक्टर हमें बनाना है ए बी वेक्टर। देखो एरो का जो साइन है वो ए से बी की तरफ है, एरो का जो साइन है वो ए से बी की तरफ है, यानी बी हो गया है हेड और ए हो गया है टेल। बी क्या हो गया है, बी हो गया है हेड और ए हो गया है टेल। हम करेंगे क्या, हम हेड में से टेल को माइनस करेंगे बेटा, हेड में से टेल को माइनस करेंगे। चलो भाई करते हैं, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 1 और यहां है आई कैप, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 2 और ये हो गया है जे कैप, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 4 और ये हो गया है के कैप। समझ आ रही है बेटा बात, ये हमारे पास में वेक्टर निकल कर आ गया। वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, दिस इज रिलेटिव वेक्टर। क्योंकि यहाँ हमें दो पॉइंट गिवन है, हम यहाँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेक्टर नहीं बना रहे हैं बेटा, यहाँ दो पॉइंट ऑलरेडी से हमें गिवन दिए गए हैं, इन दो पॉइंट के बीच में हम वेक्टर बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद रिलेटिव वेक्टर आपने बना लिया, रिलेटिव वेक्टर बनाने के बाद ये जो आई के सामने लिखा है ये कहलाएगा ए, ये जो बी के सामने लिखा, जे के सामने लिखा है ये कहलाएगा बी, बी इक्वल टू 2,
ये जो k के सामने लिखा है ये कहलाएगा c, यानी c इक्वल टू 4। a इक्वल टू हो गया है 1, b इक्वल टू हो गया है 2 और c इक्वल टू हो गया है 4। बेटा फिजिक्स की लैंग्वेज में इन्हें हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स की लैंग्वेज में इन्हें बोला जाता है डायरेक्शन रेशो, इन्हें हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। अब हमें निकालना है वेक्टर का मॉड, वेक्टर का मॉड निकालना है स्टूडेंट हमें। कैसे निकालेंगे भाई वेक्टर का मॉड, जरा देखो आई के सामने क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस, जे के सामने क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ओके प्लस, के सामने क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर रूट 21 यूनिट। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये है रिलेटिव वेक्टर, ये है डायरेक्शन रेशो और ये है वेक्टर का मॉड। मॉड का मतलब समझते हो ना, वेक्टर की जो लंबाई होती है ना, वेक्टर की जो लेंथ होती है उसे हम लोग बोलते हैं मॉड। ठीक है, यूनिट कुछ नहीं होती, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं होती, खाली यूनिट लिख दिया मैंने पीछे। ये आंसर होगा बेटा हमारे पास में, देखो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और हम लोग इसके ऊपर बनाते हैं। देखो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर आज का अपना लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आज का लास्ट एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हो गया है एक्स एक्सिस, ये हो गया है वाई एक्सिस और ये हो गया है जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, यहाँ हमें दिया गया है x, ये हमें दिया गया है y और ये हमें दिया गया है z। अब देखो एक पॉइंट मुझे दिया है बेटा यहाँ पर a और एक पॉइंट मुझे दिया है यहाँ पर b। इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2-1-1 और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2-2-5। ये है बेटा हमारे पास में, भाई देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इस एक्स वाई जेड के जो प्लेन है, ये जो कार्टिजन प्लेन है, इसमें हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, दो पॉइंट हमें दिए गए हैं। एक पॉइंट है हमारे पास में ए और दूसरा पॉइंट है हमारे पास में बी। लो भैया ये ड्रॉ कर दिया हमने वेक्टर, ए से बी की तरफ ये हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया। इस वेक्टर का जो नाम होगा हमारे पास में ये होगा रिलेटिव वेक्टर। इस वेक्टर का जो नाम होगा ना बेटा हमारे पास में वो होगा रिलेटिव वेक्टर। अब कैसे निकालेंगे रिलेटिव वेक्टर को, जरा देखिए ध्यान से भाई, वेक्टर बनेगा हमारा ए से बी की तरफ, वेक्टर बनेगा ए से बी की तरफ और हम क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, माइनस दो में से माइनस करेंगे दो को, तो ये बन जाएगा माइनस के 4 आई कैप। हेड में से टेल को माइनस करेंगे, माइनस दो में से माइनस करेंगे माइनस के 1 को, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 जे कैप। 5 में से माइनस करेंगे माइनस के 1 को, तो ये बन जाएगा प्लस के 6 के कैप। लो बेटा इसमें से इसे माइनस किया, आई कैप लगाया, फिर जे कैप लगाया, फिर के कैप लगाया, देखिए मॉड कितना आएगा, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू -4 स्क्वायर 16 -1 स्क्वायर 1 6 स्क्वायर 36। सॉल्व कर लीजिए।